जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी बच्चों। तो हम लोग का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। बार बार कहते हैं एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स, मतलब कोई भी सजीव के अंदर में जो भी स्ट्रक्चर्स का जो अध्ययन करते हैं, दैट मीन्स कि हम लोग के बॉडी के अंदर में जो भी अंदर में स्ट्रक्चर है, चाहे हार्ट हो, लंग्स हो, किडनी हो, लीवर हो, इंटेस्टाइन हो, और उसका स्टडी कहा जाता है, अध्ययन किया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एनाटॉमी। बट यहाँ पर चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एक फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एक प्लांट्स के अंदर के जो संरचना होते हैं, तो प्लांट्स के अंदर में संरचना केवल होते हैं टिश्यू होते हैं, मतलब सेलों का ग्रुप्स होते हैं, टिश्यू होते हैं। तो वो टिश्यू आप लोग पढ़ चुके हैं, दो था, मेसेमेटिक टिश्यू था, परमानेंट टिश्यू था। मेसेमेटिक का तीन प्रकार था, ऊपर चुके एपिकल मेसेमेटिक, इंटरकैलरी, लैटरल मेसेमेटिक। उसके बाद मेसेमेटिक हमेशा सेल बड़बड़ा करता है, उसके बाद हम लोग पढ़ते परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का सेल बड़बड़ा नहीं करता है। परमानेंट टिश्यू भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू का सेल एक ही प्रकार का होता है, मतलब उस सिंपल परमानेंट टिश्यू में जितने भी सेल होगा सब एक ही प्रकार का होगा। उसका भी तीन प्रकार, पैनकैमा, कोलेनकैमा, स्क्लेनकैमा। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का दो होते हैं, कॉम्प्लेक्स में अलग अलग प्रकार के सेल का ग्रुप मिलता है लेकिन काम करता है कि यूनिट में, एक इकाई में, उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का दो प्रकार था, एक था जाइलम, दूसरा था फ्लोएम। जाइलम में भी चार कंपोनेंट था, चार एलिमेंट था, टेकियाइट था, जाइलम वेसल्स था, जाइलम फाइबर्स था और जाइलम पैरेन्काइमा था। फ्लोएम में भी चार कंपोनेंट था, चार एलिमेंट था, चार पार्ट था, नाम था सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, इससे समझ चुके थे। उसके बाद आते थे टिश्यू का जो अरेंजमेंट होता है प्लांट्स के अंदर में, उसको बोलते हैं टिश्यू टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम तीन प्रकार का था, इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बताए थे, ऊपर का लेयर को ढके रहता है, अंदर में बीच में जो रहेगा, माने बीच का और बाहर का, कि बीच में मतलब जाइलम फ्लोएम को बाहर करिए, मतलब उससे जाइलम फ्लोएम से बाहर होइए और इपिडर्मिस के अंदर होइए, बीच में जितने भी टिश्यू रहता है उसको हम लोग कहते हैं ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू आते हैं, पैनकैमा, कोलेनकैमा, स्क्लेरेनकैमा आते हैं, ये वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, उसको फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं। उसके बाद था वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम जिसमें आते हैं जाइलम फ्लोएम, यहां तक हो गया था। अब आज हम लोग को पढ़ना मेन एनाटोमी, डाइकोट पेड़ का भी एनाटोमी पढ़ना, उसका जड़, तना, पत्ता, और मोनोकोट का भी एनाटॉमी पढ़ना, उसका जड़, तना, पत्ता। तो चलिए कंटू पॉइंट स्टार्ट करते हम लोग। जो विषय वस्तु हम लोग का है वो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का मेन टॉपिक। अब आए एनाटॉमी पर, कंटू पॉइंट पहले हम लोग पढ़ेंगे डाइकोट रूट के बारे में, उसके बाद डाइकोट रूट हो जाएगा तब मोनोकोट रूट पढ़ेंगे, तब डाइकोट स्टेम पढ़ेंगे, जब डाइकोट स्टेम हो जाएगा तब पढ़ेंगे मोनोकोट स्टेम। मोनोकोट स्टेम जब दोनों हो जाएगा उसके बाद पढ़ेंगे डाइकोट लीफ पत्ता के बारे में, डाइकोट के पत्ता के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे डाइकोट के पत्ता के बाद में पढ़ेंगे मोनोकोट के पत्ता के बारे में। तो कंटो पॉइंट डाइकोटिलियस रूट के बारे में चलते हैं, रूट के बारे में पढ़ते हैं। रूट किसका? डाइकोटिलियस मतलब डाइकोट, डाइकोटिलियस को शॉर्टकट में डाइकोट कहते हैं, डाइकोट का रूट के बारे में जानते हैं। और डाइकोट क्या होता है, मोनोकोट क्या होता है, वो मॉर्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट सेक्टर में बता चुके हैं। कंटो पॉइंट बाहर से अंदर की ओर जाएंगे, रूट के माने जड़ है, मान लीजिए ये जड़ है, ये जड़ हुआ, मान यहां तक जड़ हुआ, उस जड़ के बाहर से अंदर की ओर जाएंगे, बाहर से अंदर की ओर जाएंगे, अंदर की ओर जाएंगे, बाहर से अंदर की ओर जाएंगे। तो बाहर में जो लेयर है एक ही लेयर का होगा, बताए थे एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस में एक कोश के यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल लंबा लंबा होगा, उसका नाम है रूट हेयर सेल। एपिडर्मिस सेल ही होते रूट हेयर सेल, यही रूट हेयर से रूट का एब्जॉर्प्शन करते हैं, एब्जॉर्प्शन करता है किसका, वाटर एंड मिनरल्स को।
वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्प्शन करता है, यही रूट हेयर। रूट हेयर किससे लगा रहता है? इपिडर्मिस से। किसकी इपिडर्मिस से? रूट के इपिडर्मिस से। अब इपिडर्मिस के नीचे अंदर जाएंगे, इपिडर्मिस ये हुआ, इपिडर्मिस माने अभी रूट हेयर हुआ, इपिडर्मिस हुआ, ये रूट हेयर हुआ, उसके अंदर जाएंगे, अंदर जाएंगे तब आएगा अंदर में कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स बनाते मेनी लेयर रहेगा, पतला दीवाल वाला पाइनकमर सेल, क्योंकि पाइनकमर सेल जब होगा तब पतला दीवाल वाला, उसका अनेक लेयर ना बचलो। तो कॉर्टेक्स होते इपिडर्मिस के अंदर वाला पार्ट, मतलब इपिडर्मिस से उसके अंदर वाला पार्ट है कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स बने होते हैं बहुत सारे लेयर पाइनकमा सेल से, और पाइनकमा सेल रहेगा तो पतला दीवार होगा, बता चुके हैं पतला दीवार होगा, और सेल सबके बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा, सेल सबके बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा, गैप रहेगा, गैप रहेगा, तो सुनो कहते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस रहेगा। अब यह वह कॉर्टेक्स हो गया, तो डाइकोट पेड़ का रूट का कॉर्टेक्स क्या चीज से बना है? पाइनकमा सेल से बना है। और जब पाइनकमा सेल होगा, पाइनकमा का सेल होगा तो क्या होगा? थिन वॉल होगा, सेलोज से बना होगा, और सेल सब के बीच में क्या होगा? इंटरसेलुलर स्पेस होगा, इंटरसेलुलर स्पेस होगा, ये बात आप लोग को याद करना पड़ेगा। अब चलिए कंट्रोल पॉइंट, कॉर्टेक्स के अंदर में ये कॉर्टेक्स हो गया। अब कॉर्टेक्स के अंदर में भी जाएंगे, कॉर्टेक्स के अंदर में जाएंगे तो होगा इंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स के इनर मोस्ट लेयर को हम लोग कहते हैं इंडोडर्मिस। सिस्टमैटिक सबसे ऊपर का लेयर कौन है? इपिडर्मिस। इपिडर्मिस में क्या लगा? रूट हेयर। उसके अंदर में क्या है? कॉर्टेक्स। किससे बना है? पाइनकमा सेल से बना है। पाइनकमा सेल रहेगा तो पतला दीवार होगा, बीच में क्या होगा? जगह होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस। और कॉर्टेक्स के अंदर में आएगा तो क्या होगा? इंडोडर्मिस, या तो इंडोडर्मिस। अब कंट्रोल पॉइंट, ये तो एनाटॉमी हो गया, तो समझ गए, यहां तक हम लोग समझ गए। अब अंदर की बात करते हैं, इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस कंसिस्ट सिंगल लेयर अब बैरल सेपेट, मतलब बैरल मतलब लंबा 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 बैरल सेपेट, लंबा 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 बैरल सेपेट, ऐसे बैरल सेपेट सिंगल लेयर का होगा, बैरल सेपेट से होगा चारों ओर से। सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, मतलब दो सेल के बीच में गैप नहीं रहेगा, इंटरसेलुलर नहीं होगा। और इंडोडर्मिस से पाएगा कैस्पेरियन स्टेप, याद करिएगा, प्लांट फिजियोलॉजी जब पढ़े तो बताते कैस्पेरियन स्टेप वैक्सी लेयर होता है जो पानी को जाइलम से बाहर निकलने नहीं देता है। कैस्पेरियन स्टेप रहेगा इंडोडर्मिस, डाइकोट स्टेम के इंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्टेप रहेगा। अब कंट्रोल पॉइंट आगे बढ़ते, नेक्स्ट इंडोडर्मिस के अंदर में रहेगा फ्यू लेयर रहेगा पाइनकमा सेल से ही, और कोई भी प्लांट्स में कोई भी पार्ट्स में सबसे ज्यादा सेल्स होता है और टिश्यू होता है उसका नाम है पाइनकमा, और पाइनकमा सेल रहेगा। तो इंडोडर्मिस के भी अंदर में पाइनकमा का सेल का एक कुछ लेयर रहेगा जिसको हम लोग कहते हैं पेरिसाइकल। पेरिसाइकल अब इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट, पेरिसाइकल से ही निकलता लेटरल रूट, मतलब बगल वाला रूट निकलता। अब होगा वैस्कुलर के अंदर में वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम जब ही होगा तो जाइलम फ्लोएम के बीच में रहेगा, तब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगा। जब ये वैस्कुलर कैम्बियम होगा तो सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगा, इसलिए डाइकोट पेड़ का जो रूट होता है वो प्राइमरी रूट बहुत अंदर तक, बहुत लंबा तक, बहुत दूर में फैल जाता है, तो सेकेंडरी ग्रोथ पेरिसाइकल करेगा, याद करेगा। मतलब ब्रांच भी, जड़ का जो ब्रांच भी निकलेगा वो पाइनकमा सेल से निकलता, लेकिन पेरिसाइकल की सेल ग्रोथ करेगा। तो आगे बढ़ते, पाइनकमा सेल प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम फ्लोएम, और जाइलम फ्लोएम के बीच में जो पाइनकमा का सेल पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं कंजंक्टिव टिश्यू। मतलब कैम्बियम जो बनाएगा, वैस्कुलर कैम्बियम जो बनाएगा वो कुछ हम लोग कहते हैं कंजंक्टिव जोड़ने वाला टिश्यू। अब नंबर ऑफ जाइलम फ्लोएम बंडल जो रहेगा सो 3-4 रहेगा। डाइकोट जर के अंदर में
जाइलम फ्लोएम का जो संख्या रहेगा वो तीन से चार के लगभग में रहेगा, तीन से चार के लगभग में रहेगा। अब आगे, ऑल टिश्यूज ऑन इनर साइड ऑफ इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस के अंदर, इंडोडर्मिस ये इंडोडर्मिस है, उसके अंदर में जितने भी टिश्यू रहेगा, चाहे पेरिसाइकल हो, वैस्कुलर बंडल मतलब जाइलम फ्लोएम हो, और बीच का सेंट्रल का पिथ हो, उन सब को मिला करते हैं स्टेल। स्टेल ये क्वेश्चन पूछा गया नीट का, नीट का क्वेश्चन पूछा गया स्टेल, याद करिएगा। नाउ कंट्रोल पॉइंट बच्चों, इतना तक हो गया डाइकोट रूट का स्ट्रक्चर। अब उसको डिटेल से आप लोग फिर से शुरू से डाइकोट स्टेम के एनाटॉमी शुरू से लास्ट कर देते। तो डाइकोट रूट का, डाइकोट रूट का शुरू से लास्ट कर देते एनाटॉमी, डाइकोट रूट का स्टेम का नहीं, डाइकोट रूट का। सबसे बाहरी लेयर क्या होगा? एपिडर्मिस। डाइकोट रूट में सबसे बाहरी लेयर क्या होगा? एपिडर्मिस, माने रूट हुआ। तो बाहरी लेयर हुआ एपिडर्मिस, उसमें क्या निकला रहेगा? रूट हेयर। एपिडर्मिस सेल से निकला था रूट हेयर, जो वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा। रूट हेयर एपिडर्मिस एक ही लेयर का सेल होगा, एपिडर्मिस एक ही लेयर का सेल होगा। एपिडर्मिस के अंदर में जो सेल सब रहेगा, सेल सब अंदर में जो सेल सब रहेगा उसको हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस के अंदर में जो सेल सब रहेगा उसको हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स किससे बना है? पैरेन्काइमा से। और कॉर्टेक्स के अंदर में जो लंबा लंबा सेल रहेगा चारों बगल से, गोलाकार चारों बगल से बैरल से पैसे रहेगा, उसमें होता है इंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स के अंदर में इंडोडर्मिस वैक्सी लेयर होगा, जिसको हम लोग कहते कैस्पेरियन स्ट्राइप्स, जो पानी को जाइलम में तो जाने देगा लेकिन जाइलम से बाहर निकलने नहीं देगा। अब इंडोडर्मिस के अंदर में कुछ लेयर रहेगा पैरेन्काइमा सेल से, उसको पेरिसाइकल। अब आ जाएगा वैस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम, अब बीच में जो टिश्यू रहेगा उसको होते कैम्बियम को कंजक्टिव टिश्यू, और सेंटर पार्ट में रूट के सेंटर पार्ट में जो जगह रहेगा उसको कहते हैं पिथ। और इंडोडर्मिस के अंदर जितने भी पार्ट होता है, पेरिसाइकल है, वैस्कुलर बंडल है, पिथ है, सबको मिला कहते हैं स्टेल। इतना बात बचे लोग डाइकोट रूट का याद करें, इजी है, इसमें कोई नया बात नहीं। यही सुंदर से बना लेंगे, ये एपिडर्मिस हुआ, ये रूट हेयर हुआ, इतना था पैरेन्काइमा सेल से बना था कॉर्टेक्स हुआ। अब अंदर में जो बैरल से पेट सेल है उसको था इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस के अंदर में कुछ लेयर हुआ सेलों का तो पेरिसाइकल। उसके बाद में जाइलम फ्लोएम में जाइलम फ्लोएम, ब्लू कलर का फ्लोएम होता है, रेड कलर का जाइलम होते हैं, अब बीच में जो जगह हो सकता है पिथ कहते। और बताए थे आप लोगों कि उसमें होते हैं एग्जार्स होते हैं, मतलब प्रोटो जाइलम बाहर रहेगा और मेटा जाइलम अंदर रहेगा, एग्जार्स व्यवस्था होते हैं। और जाइलम फ्लोएम वैस्कुलर बंडल का संख्या तीन से चार होगा। इतना बात आप लोग याद कर लेते हैं तो एनाटॉमी होगी, एनाटॉमी ऑफ डाइकोट रूट खत्म हो गया, समझ गए। बाहरी लेयर क्या है? एपिडर्मिस से क्या लगा रहेगा? रूट हेयर। अंदर में क्या होगा? कॉर्टेक्स। किससे बना रहेगा? पैरेन्काइमा सेल से। जब पैरेन्काइमा सेल लगा तक होगा पतला दीवार होगा सेल, सेल के बीच में क्या होगा? थोड़ा सा गैप रहेगा, सेल से के बीच में थोड़ा सा गैप है, थोड़ा सा गैप है, थोड़ा सा गैप है, गैप है। कॉर्टेक्स के अंदर में क्या रहेगा? इंडोडर्मिस। कैसा सेल रहेगा? बैरल सेपर सेल, ये बैरल सेपर सेल होगा। इंडोडर्मिस में क्या रहेगा? कैस्पेरियन स्ट्राइप रहेगा, वो क्या करेगा? पानी को अंदर जाने देगा, बाहर नहीं निकलने का, रूट हेयर से जाइलम में जा सकता है लेकिन बाहर नहीं निकल सकता। अब इंडोडर्मिस के अंदर में क्या रहेगा? पेरिसाइकल, वो किससे बना रहेगा? पैरेन्काइमा सेल से। अब बीच बीच में क्या रहेगा? जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम का संख्या कितना रहेगा? तीन से चार। व्यवस्था क्या रहेगा जाइलम फ्लोएम का? एग्जार्स। अब बीच के जो क्या कहते हैं? पिथ कहते हैं। अब
इंडो डेरन इसके अंदर जितने भी पार्ट हुआ उस सब पार्ट को मिला के कहते हैं स्टेल कहते हैं, सिंपल एनाटोमी डाइकोट रूट हो गया खत्म। तो नौ बच्चे लोग एनाटोमी ऑफ डाइकोट रूट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एनाटोमी ऑफ मोनोकोट रूट। एनाटोमी ऑफ मोनोकोट रूट हम लोग पढ़ेंगे। मोनोकोट रूट में हम क्या क्या संरचना, ज्यादा डिफरेंट नहीं, डाइकोट रूट से मोनोकोट रूट में ज्यादा डिफरेंट नहीं, पर डिफरेंट ये है केवल, डिफरेंट सब कुछ लगभग में समान है, डाइकोट रूट के जैसे ही मोनोकोट का रूट है, बट अलग ये है कि जाइलम का जो बंडल होता है वो 6 से ज्यादा होता है, मतलब पोलियार्स होते हैं, और पित बिचला सेंटर पार्ट बहुत बड़ा होता है मोनोकोट में, और जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं होते, इसीलिए मोनोकोट रूट कभी भी बड़ा नहीं हो पाता है। मोनोकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो पाता है, मोनोकोट रूट कभी मोटा नहीं सकता है, इसीलिए सब रेशेदार होता है, फाइबरस रूट होते हैं, धान में गेहूं में मक्का में देखे होंगे, पतला पतला होते हैं, कोई बड़ा नहीं होता है, अंदर तक नहीं गया रहता है, तो ये होता है, इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होते। सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकोट रूट में क्यों नहीं होते, क्वेश्चन शो है, तो कहिएगा कैम्बियम नहीं पाया जाता। जब कैम्बियम नहीं पाया जाता कहाँ नहीं पाया जाता, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं रहता, तो जब कैम्बियम नहीं रहेगा तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा, मतलब मोटा नहीं सकता, तो यही अंतर है, याद कर लीजिएगा, सिंपल है। यह हुआ एनाटोमी ऑफ मोनोकोट रूट, एनाटोमी ऑफ मोनोकोट रूट हुआ। अब नाउ ये पिक्चर देख लीजिए, ये रूट हेयर हुआ, इपिडर्मिस हुआ, कॉर्टेक्स हुआ, यही सब आता है, इंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, और जाइलम की संख्या बहुत ज़्यादा है, पोलियार्स है, पित बड़ा सा है, मेटाजाइलम अंदर रहेगा, प्रोटोजाइलम बाहर रहेगा, उसको जांच करते। अब आगे बढ़ते, अब हम लोग पढ़ेंगे डाइकोट स्टेम का एनाटोमी। डाइकोट स्टेम का एनाटोमी अब हम लोग को पढ़ना है, फिर से वही बात, वो स्टेम है, तना है, बाहरी लेयर है एपिडर्मिस, सिंपल बात है। अब एपिडर्मिस के अंदर में कॉर्टेक्स, तो इसमें केवल एपिडर्मिस कवर्ड रहता है, ऊपर से रहता पतला दीवार से कुटिकल होगा, चूंकि तना है पत्ता है, ऊपर में कुटिकल तो रहे करेगा, चूंकि जड़ में कुटिकल नहीं था, कुटिकल रहेगा वाक्सी लेयर रहेगा तो पानी को सोख नहीं पाता जड़ का, रूट हेयर तो तना में कुटिकल रहेगा, तो एपिडर्मिस के ऊपर में लगा रहेगा, एपिडर्मिस के ऊपर में लगा रहेगा कुटिकल लेयर, एगो कुटिकल लेयर लगा रहेगा, ट्राइकोम्स भी होगा और कुछ एस्टोमाटा भी होगा, एस्टेम में कुछ एस्टोमाटा था, ज़्यादा नहीं पता मत। अब सेल्स अरेंज इन मल्टीपल लेयर बिटवीन द एपिडर्मिस एंड एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच में, पेरिसाइकिल एपिडर्मिस बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल के बीच में जितने भी पार्ट होगा डाइकोट स्टेम में उसको कहते हैं कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस बाहरी लेयर और पेरिसाइकिल इंडोडर्मिस के अंदर वाला पार्ट के बीच में जितने भी लेयर होगा उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, कॉर्टेक्स स्टेम में, डाइकोट स्टेम में कॉर्टेक्स। तो नौ बच्चे लोग, डाइकोट स्टेम में बाहरी लेयर होगा एपिडर्मिस, एपिडर्मिस ऊपर से ढका रहेगा कुटिकल लेयर से, इस समझ गए, ट्राइकोम्स रहेगा और कुछ एस्टोमाटा रहेगा, और उसके अंदर में बहुत सारे मल्टीपल लेयर रहेगा एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच में, एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच में अनेकों लेयर रहेगा सेल का, उसको हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स। तब डाइकोट के कॉर्टेक्स के बारे में हम लोग को जानना होगा, डाइकोट स्टेम के कॉर्टेक्स के बारे में हम लोग को डिटेल से जानना होगा। तो डाइकोट पेड़ के जो कॉर्टेक्स होते हैं उसको 3 सब जोन में बांटा गया। डाइकोट पेड़ के जो स्टेम होता है उस स्टेम के कॉर्टेक्स को, मतलब एपिडर्मिस के अंदर से लेकर के पेरिसाइकिल के बीच में जो पार्ट रहेगा उसको कॉर्टेक्स कहते हैं। उस कॉर्टेक्स को 3 सब जोन में बांटा गया, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर और इंडोडर्मिस। सिंपल है, कोई डॉगेशन से नहीं समझ आएगा, कॉर्टेक्स में 3 सब लेयर है, मान सब जोन्स है, एरिया है, जोन्स मतलब एरिया है। हाइपोडर्मिस फ्यू लेयर रहेगा, कोलिन कमेंटल सेल से बना हुआ, ये बात याद करना, ये क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा आप लोग। हाइपोडर्मिस डाइकोट स्टेम के ईपीडर्मिस के जस्ट नीचे जो पार्ट है उसको हाइपोडर्मिस,
वो किससे बना रहेगा? कोलन का मैटर सेल से, जस्ट बिलो इपिडर्मिस, कोर्टिकल सेल से, याद करने क्या। अब उसके नीचे रहेगा कोर्टिकल लेयर, वो राउंडेड थिन वाल सेल होगा। जब ये राउंड थिन वाल सेल होगा तो पाइनकाइमेटर सेल होगा, और जब ये पाइनकाइमेटर सेल होगा तो इंट्रासेलुलर स्पेस ओवर करेगा। अब कॉर्टिकल रीजन के अंदर में उससे लेगा इंडोडर्मिस, इनर मोस्ट सेल है इंडोडर्मिस। ये भी पाइनकाइमेटर से बने होते हैं। सेल्स आर रिच इन ग्रीन स्टार्च ग्रेन्स, याद करिएगा, ये भी एक क्वेश्चन है नीट का। स्टार्च ग्रेन्स किस में पाया जाता? तो इंडोडर्मिस के सेल में। स्टार्च सीड कहा जाता है सेल उसको, क्वेश्चन सब है याद कर लीजिएगा। तो डाइकोट स्टेम के कॉर्टेक्स का हुआ तीन, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर, इंडोडर्मिस, जिसमें हाइपोडर्मिस बने होते किससे? कोलेनकाइमेटस सेल से। कॉर्नर लेयर बहुत मोटा होता है, हेमिसेलोज पैक्टिन उसमें रहता डिपॉजिट। और कॉर्टिकल रीजन में पानी के वहां से लेगा, इंडोडर्मिस में भी पानी के वहां से लेगा, लेकिन इंडोडर्मिस जमा करेगा उसका सेल किसको? स्टार्च ग्रेन्स को, उसे कहते हैं स्टार्च सीथ, याद करना जरूरी है। अब कंटोपाइन, अब इसके अंदर पेरिसाइकल कॉर्टेक्स हो गया, इंडोडर्मिस तक हो गया। पेरिसाइकल प्रेजेंट होता है इनर साइड ऑफ इंडोडर्मिस और फ्लोएम के ऊपर रहेगा, अर्धचंद्राकार सेमी लूनर मतलब अर्धचंद्राकार प्याच के रूप में होगा, जो बना होगा स्क्रेन कैमा से। ये भी क्वेश्चन है इसका कि पेरिसाइकल किस सेल से बना है? स्क्रेन कैमा सेल से। पेरिसाइकल किस सेल से बना है? तो स्क्रेन कैमा सेल से बना है, याद कर लीजिएगा। अब स्क्रेन कैमा सेल से मिरर ये होता है, ए फ्यू लेयर रेडियली जितना रहता है पाइनकाइमेटस सेल से। पेरिसाइकल बना होगा स्क्रेन कैमा सेल से, और कहीं कहीं रहेगा चित्रा हुआ बीच बीच में, जालम फोरम के बीच बीच में रे रहेगा, वो किससे बना रहेगा? पैनकमा सेल से, वैस्कुलर बंडल के बीच बीच में रहेगा। अब ए लार्ज नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल रहेगा एक रिंग में, लार्ज नंबर रहेगा वैस्कुलर का रिंग में रहेगा, चारों बल से कंज्वाइंट होगा इसे चारों बल से, और इन डार्च होगा, ओपन टाइप होगा, मतलब जालम फोरम के बीच में कैम्बियम रहेगा तो ओपन टाइप, और एक रिंग में रहेगा तो कंजॉइंट, और प्रोटोजाइलम रहेगा अंदर, मेटाजाइलम रहेगा बाहर, तो इंडार्च कहते हैं व्यवस्था में, ये सब याद कर लीजिएगा। और बीच में रहेगा पिथ, बीच में पिथ रहेगा, तो ये हो गया। आप पिक्चर से देख लीजिए, कमन हो गया। तो ये इपिडर्मल सेल है, और ये हेयर रथ टाइकोम्स है, टाइकोम्स में इपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो है हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस किससे बना है? कोनिकामा से। हाइपोडर्मिस के नीचे अंदर जो है कॉर्टिकल लेयर, वो बना होते पाइनकामा सेल से। उसके बाद इंडोडर्मिस है, उसके बाद पेरिसाइकल है अर्धचंद्राकार, पेरिसाइकल वो किससे बनाता है? स्क्रेन कैमा सेल से। स्क्रेन कैमा सेल से बने होते हैं, याद कर लीजिएगा। उसके बाद में फ्लोएम रहेगा, बीच में क्या है? कैम्बियम है, मेटाजाइलम बाहर है, प्रोटोजाइलम अंदर है, जिसमें कहते हैं इंडार्च, और बीच में सेंटर को, बीच वाला जगह को हम कहते हैं पिथ। पिथ में क्या रहेगा? पाइनकाइमा सेल होगा, पाइनकाइमा सेल होगा। सिंपल है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया, ये याद करना है। सबसे बाहर इपिडर्मिस, टाइकोम्स है, इपिडर्मिस के अंदर से लेकर के पेरिसाइकल के ऊपर तक जो पार्ट रहेगा वो कॉर्टेक्स कहते हैं। तीन भागों में कॉर्टेक्स को बांटा गया। हाइपोडर्मिस किससे बनेगा? कोनिकामा से। इंडोडर्मिस पाइनकामा से, कॉर्टिकल रीजन पाइनकामा सेल से, और पेरिसाइकल किससे बना रहेगा? स्क्रेन कैमा सेल से। अब मेरुलरी रे रहेगा बीच बीच में, वो किससे? पाइनकामा सेल से। अब क्या आएगा? फ्लोएम। अब क्या आएगा? जाइलम। बीच में क्या आएगा? कैम्बियम। तो कौन सा प्रकार हुआ? ओपन टाइप। और इस रिंग में रहेगा
बाहर फ्लोएम अंदर जाइलम, फ्लोएम अंदर जाइलम, तो ऐसे व्यवस्था में रहता है उसे हम लोग कहते हैं कंज्वाइंट। प्रोटोजाइलम अंदर है, मेटाजाइलम बाहर है तो कहते हैं इंडार्स, और बिचला जो क्या कहते हैं पिथ। किससे ये खाली नहीं है, इसमें सेल है, ये सेल भरा पाइन का मसल बना हुआ भरा हुआ। तो ये हुआ एनाटॉमी ऑफ डाइकोट एस्टियम। इस तरह से हो गया ए नाम टोमी ऑफ डाइकोट एस्टियम, सिंपल। अब चलते हम लोग एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट एस्टियम, एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट एस्टियम देख लेते हैं क्या क्या। एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट एस्टियम सुनिएगा, इट हैज सिमिलर टिश्यू विद द डाइकोट एस्टियम एक्सेप्ट फॉलोइंग, किसको छोड़ करके तो ये सब को छोड़ करके बाकी सब समान होता है। हाइपोडर्मिस डाइकोट एस्टियम में था, कोल्ड कैमा से बना होता है, और मोनोकोट एस्टियम में हाइपोडर्मिस बना होता है स्क्रीन कैमेटा सेल से। क्वेश्चन है याद कर लीजिएगा, मोनोकोट एस्टियम के हाइपोडर्मिस बने होते हैं स्क्रीन कैमेटा सेल से, और डाइकोट एस्टियम के हाइपोडर्मिस बने होते हैं कोल्ड कैमा सेल से। इसमें वैस्कुलर बंडल स्केट फैला रहेगा, रेडियली रहेगा, अरेंज्ड। वैस्कुलर बंडल का बढ़ेगा बंडल सीट सेल से, उसमें नहीं था, डाइकोट में नहीं था, और क्लोज टाइप रहेगा, कंजॉइंट तो होगा क्लोज टाइप रहेगा, मतलब कैम्बियम टिश्यू बीच में नहीं रहेगा। पेरिफेरी वैस्कुलर बंडल स्मॉलर देन द सेंट्रल, बीच का जो जाइलम फ्लोएम रहेगा वो बड़ा रहेगा और चारों बल में रहेगा छोटा छोटा रहेगा। फ्लोएम पाइनकम एब्सेंट, याद करिएगा ये बात, याद करिएगा क्वेश्चन है कि मोनोकोट एस्टियम के फ्लोएम में, मोनोकोट एस्टियम के फ्लोएम में फ्लोएम पाइनकामा नहीं होते। मोनोकोट पेड़ के स्टेम के फ्लोएम में फ्लोएम पाइनकामा नहीं होते, जो कि फ्लोएम में चार कंपोनेंट होते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पाइनकामा। तो डाइकोट के स्टेम तो रहेगा, इसमें नहीं रहेगा। अब वाटर कंडक्टिंग कैविटी आर प्रेजेंट विद इन द वैस्कुलर बंडल, और वैस्कुलर बंडल के अंदर में कैविटी होगा बीच बीच में, तो इतना बाकी सब समान होगा ये डाइकोट के जैसा। अब पिक्चर से क्लियर हो जाएगा, जाइलम फ्लोएम स्कैटर्ड है, फैला हुआ कहीं कहीं, एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस स्किन कहां से बना होता है, इसी को कहते हैं लोग वैस्कुलर बंडल। इसमें है कहीं कहीं अब बीच में पानी का मसल है, एक ग्राउंड टिश्यू में भर गया, कोन कामा है ग्राउंड टिश्यू में, सॉरी गोल्डन टिश्यू में पानी कामा होगा, हरा कलर शो करता पानी कामा को, बंडल सीट है चारों में सेल लेगा, बंडल सीट सेल। तो ये एनाटोमी है किसका, मोनोकोट एस्टीएम का, मोनोकोट एस्टीएम का एनाटॉमी। अब नौ बच लो हम लोग को जानना होगा, पढ़ना होगा लिप्स के बारे में। तो लिप्स के बारे में आज नहीं, लिप्स के एनाटॉमी के बारे में आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में। ये आप लोग समझ जाएगा एनसीईआरटी का पिक्चर, डिटेल समझ जाएगा ये एनाटॉमी, इसे बहुत सारे क्वेश्चन आता है नीट में, और कंफ्यूजन हो जाता है किसका कौन पार्ट कहाँ पर है सो, इसलिए सीरियसली इसको ध्यान में रखिएगा। नाउ जाते जाते खुश रहो, तो क्या बोलेंगे, खुश रहेंगे, पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे, स्वस्थ रहो, क्या बोलेंगे आप लोग, स्वस्थ रहेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।